वल्लभा देश की जय हो। आज अभी हिंडोला चल रहे हैं, तो हिंडोला की साज कैसे सिद्ध करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये वेलवेट है, मखमल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मखमल में ये जो साइड पर से है ना, उसमें वो दोरे निकलते हैं, तो उससे वो उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है। और वेलवेट को आपको यहाँ से इंटरलॉक भी नहीं करना पड़ता, जिसे आप कट करोगे तो फिर आपको सिलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो। तो बिना सिलाई के आप साज सिद्ध कर सकते हो थोड़ी ही देर में। ये देखते हैं, ये मखमल है, तो इससे कटिंग करने से ये कैसा होगा कि यहाँ से सब निकलते ही जाएंगे, तो इसको हमें सिलना पड़ेगा, तो ही हम इस पर कुछ कर सकते हैं। पर अच्छे से बेटर रहेगा वेलवेट भी हर रंग में मिलता है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ले सके कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मोती और हीरा का हो तो ब्लू, ब्लैक या रेड ऐसे ले सकते हैं, और अन्य में जैसे वो कांच का हो तो रेड ले सको, ब्लू ले सको, वो सब हमें देखना है कि कौन सा अच्छा लगेगा। ये अभी मैंने पट्टा सिद्ध किया है। अब पहले तो आप हिंडोला का नाप लो और कितनी लंबाई है, तो उसके हिसाब से आप वेलवेट में से इस तरह से पट्टे सिद्ध करना है। कुछ भी करना नहीं है, बस सिर्फ कातर से उसके नाप का कट करना है। अब ये देखना है कि उसमें छोटा हिंडोला होता है तो हमें वो परछा नहीं लगाने होते, जो दोरी बांधने की होती है दोनों साइड कसना थोड़े थोड़े से, तो वो हम बांध सके। जो बड़े हिंडोला है तो फिर वो नहीं रह सकते, उसको कुछ आधार चाहिए रहने के लिए, तो उसमें हमको एक डोरी सिला देनी है और इसके ऊपर दोनों साइड एक एक थोड़ा थोड़ी सी सिलाई करके घर पे ही हम बना लेंगे। तो छोटे हिंडोला हो तो फिर चल सकते, थोड़ा सा लगाओ इस साइड, थोड़ा सा लगाओ इस साइड, लगा के फिर हिंडोला पे लगा लो, और फिर बांधने का तरीका तो आगे दिखाते हैं कि कैसे बांधते हैं। अब आज हीरा का हिंडोला सेट करेंगे हीरा के भाव से। सबसे पहले तो ये हमें लाने होंगे, स्टोन है, ये सफ़ेद है यानी हीरा है, ऐसे कई डिज़ाइन के मार्केट में अवेलेबल है। नाप कैसा लेंगे कि हमारे हिंडोला में वो जो थंब है तो वहाँ पे कितने बड़े आ सकते हैं उसके हिसाब से हम लेंगे, और कई डिज़ाइन भी अवेलेबल है, बड़े तो में तो अलग अलग से भी मिलती हैं, तो वो हम लेंगे। फेविकोल यूज़ करेंगे, फेविकोल से अच्छे से चिपक जाता है यहाँ, तो थोड़ा सा फेविकोल लगा के इस तरह से बीच में हम रखेंगे। डिज़ाइन तो हम अपने आप से ही देख सकते हैं कि हमें कौन सी अच्छी लगती है, हमारे ठाकुर जी विराज रहे तो हमारे प्रभु को कौन से रुचेगी, अपने भाव से, अपने हिसाब से, हिंडोला के हिसाब से कि कितनी बड़ी डिज़ाइन, कितनी चौड़ी डिज़ाइन वहाँ रह सकती है। हमारे जो भी भाव हैं, हमें जो हृदय में जो भाव हो रहे हैं, वो सब हमारे माथे गृहस्थ प्रभु की सेवा में सब अंगीकार करवाना चाहिए, लगे कि हाँ ये डिज़ाइन सुंदर रहेगी, ये है कि हम तो एक निर्देश कर रहे हैं कि हाँ देखो इस तरह से कर सके। जो भी वैष्णव अपने हाथ से अपने प्रभु के लिए कर रहे हो तो अपने भाव से जो हमें अच्छी लग रही है, और जो भी हमारे अनुकूल के हिसाब से वो करो, अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। और ये सब वेलवेट पे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वेलवेट में शाइनिंग भी आएगी और चिपक भी जाएगा। मलमल का कपड़ा थोड़ा सा ढीला होता है, तो मलमल पे ये सब वजन भी नहीं रह सकता, तो वेलवेट ही अच्छा और कड़क सा भी रहता है, तो अच्छा हो रहता है इसमें। अब इसमें है ना, सिलने के लिए वो छेद भी है, पर सिलने से अच्छा यहाँ पे दोरा आ जाएंगे, तो उससे अच्छा तो ये फेविकोल से हम लगा दें तो फिनिशिंग भी रहेगी और अच्छा भी लगेगा। तो
फेविकोल अच्छा रहेगा करने में। अब ये हीरा है तो ऐसे अलग अलग रत्न भी मिलते हैं, जैसे 9 ग्रह है तो 9 प्रकार के 9 कलर के बीज मिलते हैं ऐसे, तो वो आप रत्न जड़ित हिंडोला करो तो वो भी हो सके, वो गिरिराज के भाव से आएगा। तो सब अलग अलग प्रकार के रत्न लो और मल्टी कलर का सिद्ध करो। ऐसे बहुत सारे साज हम घर बैठे ही कितने सारे कर सके, हर रोज़ अलग अलग हिंडोला में हो जाए घर पे ही साज। ऐसे सब सिद्ध करके रेडी रखो, जो भी जिस दिन हो वो सिर्फ आपको धराना रहे हिंडोला पे, बाकी के दिन भरो। अब थोड़ा सूख जाए फिर हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है कि चलो हम समझ लो कि ये हिंडोला के पट्टा है, तो अलग अलग साइज़ के आपके कट करने पड़ेंगे। 4 डांडी के हैं, 3 थंब के हैं, और जब जब भी वो छोटे कलश है तो सब, फिर छोटा कलश हो तो इतना ही करो और बीच में एक ही फूल आएगा। अभी जो सिद्ध हुआ है उसका हम बता देंगे कि कैसे हैं। अब ये समझ लो कि चलो ये हिंडोला के थंब है, तो इसके ऊपर हमें ये ज़रा सा लगाव लेके इसको धर देने का। अब लगाव से तो इतना वजन नहीं रह सकता, शायद वो थोड़ा हेवी हो जाए, छोटे हो तो रह सके, बड़े हिंडोला में वो कसना बांधने ही पड़ेंगे, तो कसना हाथ से सिल लो। हमारे तो थोड़े इतने हैं नहीं कि कसना लेने पड़े अच्छे से, तो हम वो दोरा सो ही कर सके, तो उसी रंग के दोरा, हमेशा जो भी रंग हो उसी रंग के दोरा लो, तो उससे दिखेगा भी नहीं और अच्छी सी फिटिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पहले लगाओ, सो हमने तो लगा लिया, पर इसको इस प्रकार से दोरा बीटेंगे। दोरा लेना है और फिर इस प्रकार से दोरे नीचे तक करो, तो ये फिटिंग भी आ जाएगी उसमें। जैसे ये थंब गोल है तो पूरा गोल हो जाएगा और लगेगा ही नहीं कि ये चौरस पट्टा है, तो फिटिंग भी रहेगी और उसी कलर के दोरे से तो करना ही पड़े तो ही वो अच्छे से फिट आ जाए हिंडोला पे। अभी जो हिंडोला सीधे है वो देख लेते हैं। ये जो है, ये जो अभी सिद्ध किए हैं ना, तो उसे ही देखो इस प्रकार से दोनों तरफ थोड़े से लगाव लेके धर दिए और फिर ऊपर वो दोरा सु कस से फिट कर दिए, तो ऐसे लगे जैसे डांडी फिट आ जाए। इस प्रकार से थंब है और जहाँ इतनी छोटी जगह हो तो फिर सीधे ही वो लगा लो। और ये थंब है, ये कलश किए है। इसमें झालर है वो मलमल की आएगी, तो घटा हो तो फिर उसी रंग की होती है, और ऐसे हो तो फिर कॉम्बिनेशन वाइज भी धर सकते हो। और अलग से झालर करवाई हो इसके लिए स्पेशल, वो वेलवेट की तो नहीं होगी क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल की होती है, तो उसमें भी आप डायमंड और मोती में मोती भी लगा सकते हो तो ये मैचिंग हो जाता है। तो ये हीरा का हिंडोला, हीरा के भाव से हो सके इसमें, तो फिर अलग रत्न के भी हो सके, मिक्स रत्न के भी हो सके, जो भी भाव है वो हो सके उसमें।